फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है दोबारा मेरे YouTube चैनल में। मैं आपके लिए आज कुछ स्पेशल लाया हूँ दिखाने के लिए कि गाड़ी के अंदर फॉल्ट को कैसे चेक करते हैं या उसका तरीका क्या है, उसके लिए क्या यूज़ करें। तो ये जो आप मेरे हाथ में बॉक्स देख रहे हैं, इसमें सबसे कमाल की जादू की चीज़ है। ये डब्बा है, छोटा सा डब्बा, और इसको मैंने अभी खोला है, इसकी सील को ये देखेंगे आप, खोल दिया था देखने के लिए क्योंकि मैंने इसे चेक किया था पहले। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक डोंगल है। ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको हेल्प करता है BS6 गाड़ी के अंदर फॉल्ट को डायग्नोज करने के लिए, चाहे वो डीजल हो चाहे CNG। ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये जो हमारे PGO भाई हैं, प्राइवेट गैराज ऑनर, जो लोकल मैकेनिक हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए ये वह है, जो कि ये 1599 रुपये का है और इसका नाम है डायग्नोस्टिक टूल फॉर 501 सिटी BS6। ये देख रहे हैं BS6 साहब, हाँ। तो ये है, अब बेसिकली BS6 गाड़ी को सब बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, सेंसर है, इसको कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले का जो टाइम था उस समय में क्या था कि गाड़ी के अंदर लगभग 95% मैकेनिकल पार्ट्स होते थे, जैसे कि इंजन के पार्ट्स, गियर बॉक्स के पार्ट्स, स्टार्टर मोटर वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो गाड़ी के अंदर जो काम आता है वो मैकेनिकल पार्ट्स का नहीं आता। इंजन अभी भी है, हेड है, वॉल है, गियर बॉक्स है, BP किट है, चैम्बर है, ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर है, एवरीथिंग इज़ देयर, सब कुछ है वहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ आप मेरा पहले YouTube वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने बताया कि गाड़ी में सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ECM वो सब कहाँ पे होते हैं। तो गाड़ी के अंदर जो ECM है वो गाड़ी का एक दिमाग है, जो कि इंजन को कंट्रोल करता है सारे सेंसर के थ्रू और एक्चुएटर के थ्रू। मेरा एक पुराना वीडियो है YouTube चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो यदि गाड़ी में कोई मैकेनिकल फेलियर है, जैसे गाड़ी तेल खा रही है, BP किट खराब हो गया, वॉल खराब हो गया, टैपेट खराब हो गए, या कोई भी ऐसा इशू जिससे कि गाड़ी के इंजन पे मैकेनिकल जो मैकेनिकल पार्ट्स से फ़र्क पड़ता है, उसको तो आप अपने गाड़ी के अंदर बहुत सारे सिम्टम आते हैं, जैसे कि वाइट स्मोक आना, ब्लैक स्मोक आना, पिकअप का नहीं होना और क्लच वीक होना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आप जिससे आपको, या नॉइज़ आना, कोई एबनॉर्मल साउंड आना, उससे आप समझ जाते हैं कि गाड़ी में ऐसी दिक्कत आ रही है। ब्लो बाय होना, गाड़ी का तेल ज़्यादा खाना, तो इन सबसे आप समझ जाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जो बिजली के कंपोनेंट हैं, जो कि सेंसर है, मैं बिजली मतलब आपकी भाषा के अंदर बताना चाह रहा हूँ आपको, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसको आप कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए एक छोटा सा एक डिवाइस है, बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा, ये देखिए, ये एक डिवाइस है। ये डिवाइस से आपको पता चलेगा कि गाड़ी में क्या फॉल्ट आ रहा है और उस फॉल्ट को आपने किस तरीके से ठीक करना है या उसकी रेमेडी क्या है। ये जो डिवाइस है, से हम डोंगल बोलते हैं, और ये बेसिकली जो हमारे जो PGO भाई हैं, जो छोटे दुकानदार हैं या बाहर मार्केट में काम करते हैं, ये PGO ने उनके लिए डिज़ाइन किया है। जो डीलरशिप पे होता है वो थोड़ा हैवी होता है, बड़ा होता है, इसे वजन में भारी होता है, वजन में हल्का है, देखने में ऐसा होगा। ये पिंस भी इसमें बराबर होंगी और यहाँ पे एक एक्सेस दिया जाता है जो कि केबल लग सकती है। तो ये क्योंकि हमारे जो फील्ड में मैकेनिक भाई हैं, ये जो प्राइवेट गैराज ओनर हैं, वो लोग के लिए इससे ही काम चल सकता है, इससे ये सारे काम वही करेगा जो दूसरा बड़े वाला डोंगल करता है। तो इसे हम जैसे जनरली एक साधारण भाषा में से एक छोटा डोंगल बोलते हैं। तो इसको आपने गाड़ी के अंदर लगाना है। गाड़ी में जैसे ही लगाएंगे, गाड़ी में एक कनेक्टर OBD केबल दी गई है, उससे कनेक्ट होगा यहाँ से, ऐसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको, और ये लाइट्स ब्लिंक होनी शुरू होंगी। जब ये लाइट्स ब्लिंक होंगी रेड और ग्रीन कलर के अंदर, और इसका मतलब ये उससे कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आपके मोबाइल के अंदर एक ऐप दिया है, उस ऐप में आपने जाना है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, और उसके बाद ये आपको गाड़ी के अंदर जो भी कनेक्ट होने के बाद जो भी गाड़ी में कोई इशू है वो इशू के बारे में आपको बताएगा। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस डोंगल को लगाने के बाद, चाहे CNG है चाहे डीजल है, उस गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं कि उस गाड़ी के अंदर BS6 वाहन के अंदर क्या समस्या है, कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल समस्या है तो आपको बताएगा ये लगाने के बाद। दूसरा, आप उस फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बड़े बड़े लैपटॉप्स होते हैं, बहुत सारी कंपनियों के पास लैपटॉप्स होते हैं, इतना भारी लैपटॉप कौन ले सकता है। लेकिन हमारे PGO ने बहुत स्मार्टली, बहुत समझदारी से काम किया और ये 1500 रुपये का, 1550 रुपये का एक डोंगल बना के दिया।
ये डोंगल से आप बैठे बैठे गाड़ी को चेक कर सकते हैं एक जगह पे अपने मोबाइल से। ये डोंगल चाहिए, गाड़ी चाहिए और मोबाइल चाहिए जो मेरे हाथ में, जिससे मैं शूटिंग कर रहा हूँ अभी, ऐसा मोबाइल चाहिए, उसमें एक ऐप रहेगा। अब ये डोंगल लगाने के बाद सबसे पहले मैंने बताया कि आप फॉल्ट देख सकते हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी, उसके बाद सेकंड उस फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कोई क्रैंक सेंसर का इशू है, तो क्रैंक सेंसर आपको गाड़ी में, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी वीडियो में मैंने बताया सेंसर एक्चुएटर्स कहाँ पे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसके अंदर देख सकते हैं, उसके अंदर आपको पता चलेगा क्रैंक सेंसर में दिक्कत है। तो क्रैंक सेंसर में क्या क्या खराबी आ सकती है, उसको क्लीन करना है, उसके अंदर कोई सेंसर शॉर्ट हो गया या फिर कोई वायरिंग हार्नेस का इशू है, वो सारा आपको बताएगा। फिर आप फॉल्ट उसको ठीक करने और फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं, गाड़ी के ऊपर से जो इंडिकेशन लैंप है हट जाएगा। अभी गाड़ी के अंदर इंडिकेशन लैंप कैसे आता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि गाड़ी में डैशबोर्ड के ऊपर एक MIL लाइट का एक इंडिकेशन दिया है, वो जब MIL लाइट का इंडिकेशन आता है, ऑरेंज कलर का एक लाइट आता है, चेक लाइट आता है, तो तब इसको डोंगल को लगाना है, इसको लगाना है, ये आपको सब कुछ बताएगा। उसके बाद इस डोंगल से जो आपके फॉल्ट हैं वो क्लियर करने के साथ साथ आपको ये जो उसमें प्रॉब्लम है वो भी बताएगा, और उसकी उसको रेमेडी क्या है, उसका सुधार क्या करना है, ये भी डोंगल बताएगा आप। लेकिन उसके लिए ये डोंगल आपके पास होना चाहिए। ये पीजू का जो डोंगल है ये सिर्फ पीजू के नाम पे ही रजिस्टर्ड होता है, इसे एक बार आपके नाम पे रजिस्टर हो गया तो ये किसी और के नाम पे काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये किसी रामलाल जी के नाम पे इशू हो गया और रजिस्टर्ड हो गया, तो रामलाल जी का डोंगल यदि कोई जो दूसरा कोई यूज़ करना चाहेगा चोरी करके या गुम होने पे, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके नाम के साथ लॉक है, ठीक है। और इस डोंगल से हमने सेफ्टी की सुविधा इसलिए दी गई है कि कहीं ये कोई दूसरा यूज़ ना करे, दूसरे के लिए किसी काम का नहीं रहेगा, आपका लॉक रहेगा, आपका नाम आपका ईमेल आईडी के थ्रू ये बनेगा। इसका पूरा एक प्रोसेस है जो कि 5 मिनट का प्रोसेस है, आपके मोबाइल के ऐप के अंदर वो आ सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी में लगता कहाँ पे है। ये देखिए मैं अब गाड़ी पे आ गया हूँ, ये हमारी एक सवारी गाड़ी है, ये आप देखेंगे गाड़ी के राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पे हूँ अभी, यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स है, ये वाहन CNG वाहन है, डबल सिलेंडर वाला वाहन है हमारा, इसके ऊपर CNG के ऊपर। अब ये कैप आपको हटानी है, अब जैसे ही इस कैप को हटाएंगे यहाँ से, ये देखिए ये पिन का ये कैप है, ये कैप संभाल के रखनी है कहीं पर भी। उसके बाद इस डोंगल को आपको लेना है, ये डोंगल आ गया, और इस डोंगल को ये इसमें ऐसे इसमें ये कनेक्ट करना है। अब देखेंगे जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया, इसमें एक लाइट का इंडिकेशन आना शुरू हो गया। देखिए एक सेकंड रुके, मैं इसको दोबारा लगा, ये देखिए आया ना लाइट का ब्लिंक, तो ये गाड़ी में कनेक्ट हो गया। ये गाड़ी में कनेक्ट होने से आपके मोबाइल के अंदर एक ऐप है, चाबी एक चाबी लगी गाड़ी में, हाँ गुड, तो ये मोबाइल में आपके एक ऐप है, उस ऐप के साथ ये कनेक्ट है, और ये ऐप आप उसमें देखना शुरू करेंगे तो ये आपको बताएगा कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं अभी एक CNG गाड़ी है इसकी, ये मैं इसकी चाबी ऑफ करता हूँ, आप देखिएगा एक MIL लाइट दिखाई देगी आपको अभी, ये देखिए ये जो MIL लाइट आ रही है, ये लाइट जो है ये इस गाड़ी में अभी कोई समस्या नहीं, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी MIL लाइट नहीं आ रही है, ये आएगी और बंद हो जाएगी। यदि ये वाली MIL लाइट, ये MIL लाइट ये दी MIL लाइट लगातार रहती है तो गाड़ी में कुछ ना कुछ समस्या है। तो दोस्तों मेरा जो आज का जो पर्पस था आपको बताने का ये था कि किस तरीके से एक डोंगल की मदद से, देखिए अभी भी लाइट इसमें ब्लिंक हो रही है, किस डोंगल की छोटे से टूट की मदद से आप अपनी गाड़ी को अपने कस्टमर को अच्छी सेवा दे सकते हैं और उसकी जो समस्या को दूर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी BS6 गाड़ी इसे लगा दीजिए, BS6 गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक जरूर है, लेकिन जितनी ये इलेक्ट्रॉनिक है उतना इसको रिपेयर करना, इस गाड़ी पे काम करना उतना आसान है। आज की डेट में हमारे हजारों टेक्नीशियन, हजारों मैकेनिक भाई, बहुत सारे लोग जो इस पर ट्रेंड हो चुके हैं ऑलरेडी और अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बोलना चाहूँगा, सही टूल और सही जानकारी से आप कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और आपको यदि इस टाइप के डोंगल की ज़रूरत है और या पियाजो के ओरिजिनल पार्ट की ज़रूरत है तो आप किसी भी पियाजो की डीलरशिप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर स्पेयर पार्ट बॉक्स पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। ये देखिए
ये नंबर दिया है, तो आपको उसको पूरी हेल्प की जाएगी और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से भी पूरी हो सकती है। दोस्तों धन्यवाद आपका, आपने मेरे चैनल में बने रहे, इसको देखा अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जानकारी पसंद आई होगी और इस जानकारी से के द्वारा वो और अच्छा काम कर पाएंगे। धन्यवाद।